नमस्कार, जीत अकेडमी के इस सेगमेंट में आपका पुनः स्वागत है। मैं सुदर्शन चक्रधारी आपको आज 25 प्रश्नों की एक श्रृंखला पुनः देने का प्रयास करता हूं, जिससे कि आपको UGC नेट GRF आर्कियोलॉजी हिस्ट्री असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ामों में कुछ लाभ मिल सके और उसका आप जो है फ़ायदा उठा सके। अब हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, नरहनपुर स्थल के उत्खननकर्ता कौन हैं? हु वाज द एक्सकेवेटर ऑफ नरहन? ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है बिदुला जायसवाल, सेकंड पुरुषोत्तम सिंह, थर्ड AK नारायण, फोर्थ PC पंत। तो इसका जो सही आंसर है वो है पुरुषोत्तम सिंह, यानी बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब इसको हम जो है सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो PC पंत सर ने एक पैसरा, बहुत फेमस साइट है अशुलियन, कौन सी पैसरा, ठीक है, पैसरा पुरस्कार पर PC पंत साहब ने और बिदुला जायसवाल में हमने काम किया। ये एक असुलियन साइट है, यहाँ से जो है असुलियन कालीन आदिवासी परंपरा के प्रमाण मिले हैं, असुलियन कालीन जो है हैबिटेशनल एविडेंसेस वहाँ पर मिले हैं, यहाँ से पोस्ट होल्स ढेर सारे मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पर लोग जो है असुलियन काल में झोपड़ियाँ बनाकर रहते थे। उसके बाद AK नारायण सर की अगर हम बात करें तो AK नारायण सर ने इंडो ग्रीक नामक पुस्तक लिखी है, जो अपने आप में बहुत फेमस पुस्तक है। उसके अलावा राजघाट का एक्सकेवेशन हो सर ने कराया, बहुत फेमस साइट है राजघाट। उसके अलावा 1970s के आसपास इन्होंने अयोध्या का एक्सकेवेशन करवाया था। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, सरस्वती सिंधु के किस पुरास्थल से चावल के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? लोहारी राघो, राखीगढ़ी, मसूदपुर, रंगपुर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, मसूदपुर। अभी हाल ही में एक आर्टिकल प्रकाशित हुआ है जिसने यह साबित किया है कि भारत में यह सिंधु सरस्वती सभ्यता में जो सबसे अर्लीस्ट एविडेंस हैं राइस के, वो हमें कहाँ से मिलते हैं? मसूदपुर से मिलते हैं। इसमें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के डॉक्टर कैमरून पैट्री और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ AIC एंड आर्कियोलॉजी के प्रोफेसर रविन्द्रनाथ सिंह सर द्वारा जॉइंट वर्क किया गया है और उससे यह जो है रिजल्ट सामने निकल के आया है। मसूदपुर कहाँ है? तो मसूदपुर हरियाणा में एक बहुत महत्वपूर्ण पुरास्थल है। ठीक है, लोहारी राघो भी जो है हरियाणा का महत्वपूर्ण पुरास्थल है। यहाँ पर भी जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और BHU के जॉइंट कोलाबोरेशन से काम हुआ था। उसके अलावा राखीगढ़ी, आप लोग जानते हैं राखीगढ़ी जो है सबसे बड़ा नगरीय शहर है सिंधु सरस्वती सभ्यता का भारत के संदर्भ में। ठीक है, उसके अलावा रंगपुर, अगर रंगपुर की हम बात करें तो रंगपुर में MS वत्स साहब ने काम किया। किसने काम किया? MS वत्स साहब ने यहाँ पर काम किया था रंगपुर में। MS वत्स साहब ने 1931 में काम किया था। उसके बाद यहाँ पर 1939 में गुरिया महोदय ने एक काम किया, फिर 1947 में KN दीक्षित साहब ने काम किया, उसके बाद 1953 से 56 तक यहाँ पर SR राव साहब ने काम किया था। ठीक है, यहाँ से मुख्य रूप से रंगपुर गुजरात में है, कच्छ के रण में स्थित है और यहाँ से धान के भूसी के प्रमाण मिले हैं। किसके? धान भूसी के। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, धान के भूसी के प्रमाण कहाँ से मिले? तो रंगपुर से। इसके पहले एक्सकेवेटर MS वत्स से वत्स थे और बाद में जो है 1953 से 56 के बीच में जो पुरातात्विक उत्खनन हुए, जो एक्सकेवेशन आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस हुए, उसके जो है डायरेक्टर SR राव सर थे। ठीक, तो यहाँ से धान के भूसी के प्रमाण मिले हैं, बाजरे के अवशेष आदि मिले हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका इंग्लिश हिंदी करने में मैं देखा पिछला वीडियो 1 घंटे का बनाया तो उसको आप लोगों ने बहुत कम दिखा लाइक किया। अगर इंग्लिश का कोई बच्चा देखता है तो वो हमको कमेंट करके बताए, कम से कम अगर 10-20 बच्चे रहेंगे तब हम इंग्लिश की ओर जाएंगे, नहीं तो इंग्लिश हिंदी करने में बहुत टाइम चला जाता है, उससे कोई विशेष लाभ होता नहीं दिख रहा है। ठीक है, लौरिया नंदनगढ़ कहाँ स्थित है? लोकेशन ऑफ द लौरिया नंदनगढ़ है ना, तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, आंध्र प्रदेश, तो ये सही जानते हैं।
कि बिहार इसका सही आंसर होगा। ठीक, अब अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, सकास नामक पुरास्थल के उद्घाता कौन है? बीपी सिन्हा, बीपी सिंह, बीएस वर्मा, विकास कुमार सिंह। तो इसका सही आंसर है विकास कुमार सिंह। सकास पुरास्थल कहाँ है? तो सकास पुरास्थल बिहार के सासाराम में है। कहाँ है? सासाराम में है। सकास से अभी तक जो है चैल्कोलिथिक, उसके बाद ट्रांजिशन फेज चैल्कोलिथिक और नियोलिथिक का, और फिर नियोलिथिक तक के एविडेंसेस मिले हैं। अभी एक्सकवेशन यहाँ पर चल रहा है। यह महत्वपूर्ण है कि यहाँ से मानव कंकाल के प्रमाण मिले हैं। बिहार की यह सबसे महत्वपूर्ण साइट है जहाँ से लगभग 8 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। ह्यूमन स्केल्टन के एविडेंसेस, ह्यूमन स्केल्टन के एविडेंसेस यहाँ से मिले हैं, जो अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, और अब हम बाकी चीज़ को देख लेते हैं। इसे बीपी सिंह सर है, तो बीपी सिंह साहब ने जो है यहीं सकास के बगल में शनिवार एक साइट है, आप सब लोग जानते होंगे शनिवार। शनिवार का एक्सकवेशन जो है बीपी सिंह सर ने करवाया था। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसी तरह बीपी सिन्हा ने भी काम किया, और अलग और बीएस वर्मा ने। ठीक है, इन दोनों लोगों ने भी जो है कई बिहार में कई पुरास्थल हैं, वहाँ पर इन लोगों ने काम किया और रिपोर्ट भी पब्लिश की। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगला चलते हैं। अगला है आघात नहीं होगा यहाँ पर, आहत होगा। आहत चिन्ह युक्त सिक्कों के बारे में कोई किंवदंती नहीं है। पहला कारण स्थापना है इसका, ये द पंच मार्क क्वाइन डोंट हैव एनी लीजेंट। कारण, उस समय लेखन कला का ज्ञान नहीं था। द आर्ट ऑफ राइटिंग वॉज नॉट नोन एट दैट टाइम। ठीक, ये है। अब इसमें देखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, यही चेक करना है। तो सॉरी, तो इसमें देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला तो है कि आहत चिन्ह युक्त सिक्कों के बारे में कोई किंवदंती नहीं है। ठीक, उस समय लेखन कला का ज्ञान नहीं था। तो आहत सिक्के का समय क्या, 6th century BC के आसपास हम मोटा मोटी इसको रखते हैं, तो किंवदंती नहीं है ने? तो ये सही। अब उस समय लेखन कला का ज्ञान नहीं था, था कि नहीं था? ठीक से, उससे पहले के हमको लिटरेरी एविडेंस मिलते हैं। क्या है, उस समय लेखन कला का ज्ञान था, यहाँ पर नहीं लिखा है, अर्थात क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, हो जाएगा रॉन्ग। तो अब क्या है, ए सही परंतु आर गलत। ठीक, ये आपका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित को काला क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। ठीक, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसमें है ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ड्रायोपिथिकस, होमो इरेक्टस, रामापिथिकस। अक्सर लोग गलत कर देते हैं। तो इसमें जो सबसे प्राचीन मानव के अगर हम बात करें, सबसे प्राचीन मानव की बात करें, तो अगर इसको अरेंज करना है तो सबसे पहले कौन सा आएगा, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ठीक, फिर कौन सा आएगा, फिर आएगा होमो इरेक्टस नंबर 3, फिर कौन सा आएगा, रामापिथिकस। कौन सा आएगा, रामापिथिकस। फिर लास्ट में कौन सा आएगा, सबसे पहले जो है वो आएगा आपका ड्रायोपिथिकस सेकेंड, फिर आएगा रामापिथिकस फोर्थ। ठीक है, उसके बाद आएगा ऑस्ट्रेलोपिथिकस एक, फिर आएगा होमो इरेक्टस ये थर्ड। ठीक, तो इस तरह से देखेंगे, सबसे पहले ड्रायोपिथिकस डी, फिर रामापिथिकस डी आर, फिर ऑस्ट्रेलोपिथिकस ए, फिर कौन सा है तो होमो इरेक्टस डी आर ए एच, ये इसका सही आंसर होगा। इसको आप जो है देख लीजिएगा। ठीक, अब अगला प्रश्न हम जो है देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मिट्टी के बर्तनों को कालानुक्रम
व्यवस्थित कीजिए। वही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको भी जो है क्या है, अरेंज करना है। ये पॉटरीज दी हुई हैं और ये अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ामों में, इसको जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो अरेंज द फॉलोइंग सेरेमिक्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पहला है पॉलिश्ड रेडवेयर, दूसरा है NBP, तीसरा है ब्लैक एंड रेडवेयर, चौथा है पेंटेड ग्रेवेयर, जो पेंट किए भूरे बर्तन का पेंटेड ग्रेवेयर। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले कौन आएगा, ब्लैक एंड रेडवेयर सबसे पहले कौन सा आएगा, BRW। ऐसे ही आप लोग सब लोग जानते होंगे इस क्वेश्चन को, तो है जानना भी चाहिए BRW। दूसरा कौन सा आएगा, PGW। ठीक है, दूसरा PGW। तीसरा कौन सा आएगा, NBP। तीसरा कौन सा आएगा, NBPW। और चौथा कौन सा आएगा, रेड पॉलिश्ड वेयर, है ना। चौथा कौन सा आएगा, पॉलिश्ड रेड वेयर, पॉलिश्ड रेड वेयर, ये इसका क्रम है। ठीक है, इसमें अगर OCP जुड़ जाता तो OCP जो है PGW के ऊपर जाता। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित, वही अरेंज दिस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मिंडल वर्म रिस वर्ज, ये हम एक बार आपको करा चुके हैं वीडियो, तो बहुत टाइम। सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, गुंज होगा फर्स्ट में, फिर मिंडल होगा, ठीक है, सेकंड में, फिर रिस होगा थर्ड में, फिर वर्म होगा फोर्थ में। ठीक है, तो ये आप याद रखिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछता है, गुंज मेंडल रिस वर्म, ये सही है। रिस पूछा है कि रिस किस मंडल का है, तो ये क्या है, थर्ड है ये। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला देखते हैं, अब थोड़ा सा आर्किटेक्चर की ओर चलते हैं। इसमें भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना है, इसमें आज अधिकतर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले ही देखे गए हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है, ये है आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है। सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, कोणार्क का सूर्य मंदिर, बादामी केव नंबर 2, फिर सोर टेम्पल एट महाबलीपुरम, फिर है एलोरा स्थित कैलाशनाथ मंदिर, कैलाश टेम्पल एट एलोरा, इनको अरेंज करना है। तो जिसको डेटिंग आएगी वो खट से इसको अरेंज कर देगा, और आपको डेटिंग आनी भी चाहिए जैसे, तभी ये आसानी से हो पाए। सबसे पुराना कौन सा है, बादामी का सूर्य मंदिर, ठीक, ये नंबर 1 पे सबसे पुराना है। उसके बाद महाबलीपुरम का सोर टेम्पल, ये सेकेंड नंबर पर आएगा। फिर एलोरा का शिव टेंपल, ये थर्ड नंबर पे आएगा। ठीक है, उसके बाद कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये जो है लास्ट नंबर पे आएगा। इन सब चीज़ों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप याद करने का प्रयास करिएगा, जिससे आपको जो है दिक्कत ना हो। अगला है, निम्नलिखित को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फिर एक बार इसको सेट करना है। ठीक, कर्ण व कदम सातवाहन गंग, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित करना है। ठीक, तो डेक्कन की हिस्ट्री के हिसाब से देखें तो पहले सातवाहन आते हैं। ठीक है, उसके बाद कर्ण आएंगे। ठीक, उसके बाद जो है कदम्ब आते हैं तीसरे नंबर पर, कदम्ब और गंग जो है ये चौथे नंबर पे आते हैं। कहीं कहीं पर इसका अरेंजमेंट जो है उल्टा दे दिया जाता है, और सात वाहन को जो है, इन सात वाहनों को जो है कण्व के बाद स्थापित किया जाता है। अर्थात कहीं कहीं पर किसी किसी पुस्तक में कण्व को पहला स्थान दिया जाता है और सातवाहन को दूसरा स्थान दिया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग इसको देख लीजिएगा। UGC ने जो है इसका डी आंसर सही माना, इसको जो है माना था, इसका जो क्रम माना था सही, वो माना था कण्व पहले थे नंबर 1 पे, फिर सातवाहन, फिर कदम, फिर गंग, ये इसका सही आंसर माना था। लेकिन जो मूल जो एक अगर डेक्कन की हिस्ट्री की बात करें तो उसमें प्रारंभिक रूप से हम देखते हैं तो सातवाहन पहले है, फिर कर्ण है, फिर कदम्ब है, फिर गंग है, ये सही आंसर इसका जो है होता है। फिर अगला अगर हम प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको फिर एक बार अरेंज करना है, आप इसको देख लीजिए। तो इससे पहला है अजंता गुफा केव संख्या 3, एलोरा कैलाशनाथ, काले चैत्य गुफा लोमर्स ऋषि, ठीक ये है। तो इसमें सबसे पहला होगा आपका, ये सबसे पुराना है, जानते हैं कि अशोककालीन है। उसके बाद दूसरा अजंता गुफा आ जाएगी, ठीक है। तीसरे नंबर पे आ जाएगी जो है कार्ले का चैत्य, कार्ले ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा, और फिर जो है एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर चौथे नंबर पे आ जाएगा। अभी टाइम की कमी के कारण हम पूरे इसके बारे में, चूँकि एक एक वीडियो सिर्फ अजंता की गुफा बन सकता है, एक वीडियो इस पर बन सकता है, एक वीडियो इस पर बन सकता है, एक वीडियो इस तरह कई वीडियो एक एक टॉपिक भी बन सकते हैं, तो वो वीडियो हम बाद में आपको बना के देंगे। अभी कमी समय की कमी के कारण हम इसको जल्दी से खींच रहे हैं, क्योंकि आप लोग जो है ज़्यादा वीडियो लंबा देखना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि इनको भी जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देना है, जो कॉइन्स हैं इनका जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, शतमान, गदहया, दीनार, वाराह। तो सबसे पुराना आप जानते हो शतमान है, इनके हिसाब से शतमान सबसे पुराना है, फिर दूसरा है वाराह, ठीक है, दूसरे नंबर पे आएगा। तीसरे नंबर पे ये गद, तीसरे नंबर पे आपका जो है आएगा वो गदहया आएगा, ठीक है, ये लोकल कॉइन्स है गदहया। फिर चौथे नंबर पे जो है आपका दीनार आएगा, चौथे नंबर पर दीनार आएगा। गदहया आपके लोकल कॉइन्स हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब अगला प्रश्न हम फिर चलते हैं और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको देखने का प्रयास करते हैं। इनको सिटीज़ दी हुई हैं, कौन के हिसाब से जो है व्यवस्थित हुई है उसको जो है अरेंज करिए। पहला है मथुरा, राजगृह, पाटलपुर, वातापी। सबसे पहले राजगृह आप जानते हो फर्स्ट में आ जाएगा, दूसरे नंबर पर जो है पाटलिपुत्र, मगध का उत्कर्ष इन्हीं क्षेत्रों से हुआ, पहले राजगिरी थी फिर पाटलिपुत्र आई है, इस हिसाब से इनका जो है बनी है। उसके बाद फिर जो है वातापी आ जाएगा, ठीक है, तीसरा नंबर पे वातापी आ जाएगा और चौथे नंबर पे मथुरा आ जाएगा, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। वातापी दक्षिण में है आप जानते हो, ठीक है, और मथुरा आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में है मथुरा, जहाँ भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं, ठीक है। अगला, इन राजाओं को क्रम से लगाना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, गौतमी पुत्र सातकर्णी, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन सेकंड, अमोघवर्ष, नृपतुंग, कुमारगुप्त। तो इससे पहले नंबर पर कौन आ जाएगा, गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक, फिर कुमारगुप्त सेकंड पे आ जाएंगे, थर्ड पे आ जाएंगे पुलकेशिन द्वितीय, थर्ड पे पुलकेशिन द्वितीय और अमोघवर्ष किसमें आ जाएंगे, फोर्थ नंबर में। ये इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, आप इसको इसकी सन, क्योंकि एक एक राजा पे एक वीडियो बन सकता है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करिए। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको व्यवस्थित करना है, वो है पहले कौन भारत में आया था, ठीक, इनमें इत्सिंग, मेगस्थनीज, वेनसांग और वे फाइयान। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि कोई ना कोई किसी न किसी राजा के काल में आया है, तो इसको भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। सबसे पहले कौन सा आया, कौन आया था, मेगस्थनीज, मेगस्थनीज ने ही क्या लिखी है, इंडिका लिखी आप जानते हो। उसके बाद फिर फाइयान आया, ठीक है, उसके बाद फिर वेनसांग आया, युवानसांग जो लिखा है वेनसांग, वेनसांग आया, फिर चौथे नंबर पर इत्सिंग, ठीक। ये सब चाइनीज़ विदेशी यात्री थे, जो फॉरेन ट्रेवलर्स थे, चाइनीज़ फॉरेन ट्रेवलर्स थे जो इंडिया में आए थे। तो इसमें मेगस्थनीज फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, फिर आ जाएगा फाहियान, फिर आ जाएगा होयनसांग, फिर आ जाएगा इत्सिंग, ठीक है। कभी कभी एक क्रोनोलॉजिकल पूछ लेता है कि कौन किस राजा के काल में आया था, वो भी एक प्रश्न आता है, उसको देख लीजिएगा। अब मैं एक्सकेवेशन के बारे में देख लेते हैं, लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच कराइए और सही आंसर दीजिए। तो देवनी मोरी, मोहनजोदड़ो, लोथल, अरिकामेडी आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं, और व्हीलर, बी सुब्बा राव, जॉन मार्शल, एस आर राव, दे आर द एक्सकेवेटर्स। तो वी हैव टू मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू, ठीक। तो देवनी मोरी आप जानते हो, बी सुब्बा राव एकदम रटा होना चाहिए आपको, मोहनजोदड़ो आप जानते हो, सर जॉन मार्शल, ठीक, लोथल, एस आर राव, अरिकामेडू, व्हीलर,
इस तरह से आप करोगे तो आपको सही आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बिना टाइम लगाए। इस तरह से आपको एग्ज़ाम में आना भी चाहिए। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है वही सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए, जिसमें जो है पॉटरीज दी हुई हैं, पॉटरीज को जो है उससे मिलाना है, सूची दो से आपको मैच कराना है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये लगातार एग्ज़ाम में आता रहता है, इसलिए आप लोग जो है इसको करते रहिए, जिससे दिक्कत नहीं होगी। जैसे पहला ऑप्शन है पेंट किए हुए बर्तन, ठीक है, दूसरा है गेरुए रंग के पात्र, तीसरा है दांतदार चक्रयुक्त पात्र, चौथा है काले रंग के पात्र, इनको जो है बी से मिलाना है। तो ये फर्स्ट में क्या दिया हुआ, पॉटरीज दी हुई, जैसे पेंट किए हुए पात्र यानी PGW, ठीक है, बी ऑप्शन आपका है OCP, ठीक, थर्ड है रोल्टेड वेयर, फोर्थ है NBPW, ठीक, NBPW, और ये इधर साइड्स दी हुई हैं। तो कौन सा किस साइड से मैच कराना है, कि कौन सा पात्र किस साइड से संबंधित है। ठीक, आप इसको देख लीजिए कि PGW कहाँ से मिला है, तो PGW के एविडेंस हमें अहिछत्रा से मिले हैं। कहाँ से, PGW के एविडेंस हमें अहिछत्रा से मिले हैं। सबसे OCP के कहाँ से मिले हैं, तो OCP के एविडेंस हमें हस्तिनापुर से मिले हैं। ठीक है, OCP कहाँ से है, हस्तिनापुर से है। उसके बाद रोल्टेड वेयर कहाँ से मिले हैं, आप जानते हो रोल्टेड वेयर जो है अरिकामेडू से मिले हैं। और अब क्या बचा है, NBPW, तो NBPW तक्षशिला भीर कटीला वही बहुत फेमस साइट है। तो ये क्वेश्चन अक्सर आता है, आप देखिएगा एग्ज़ाम में कि PGW का संबंध कहाँ से है, सबसे पहले कहाँ पे ये आइडेंटिफाई हुई, तो अहिछत्रा, फिर OCPW कहाँ से आइडेंटिफाई हुई थी, हस्तिनापुर, एक्सकेवेटर कौन है, BB लाल, ठीक है, फिर अगला है जो है दांत चक्रयुक्त पात्र यानी रोल्टेड वेयर कहाँ से आइडेंटिफाई हुआ था, ये कहाँ से है, अरिकामेडू, एक्सकेवेटर कौन थे, व्हीलर थे। इसी के आधार पर जो है इसको रोम व्यापार संबंध से भी जोड़ा जाता है, अरिकामेडू को दक्षिण की साइट है। उसके बाद NBPW के अर्लीस्ट एविडेंस हमें जो सबसे पहले प्रमाण कहाँ से मिले हैं, वो जो है तक्षशिला से मिले हैं, भीर के टीला से। तो ये सब चीज़ें आपको देखना होगा। उसके बाद हम लोग जो है अगले पॉइंट पर चलते हैं, और अगला है वही है सूची एक को दो से सम्मिलित करना है, कि अशोक द्वारा निर्मित स्तूप, धम्मिक स्तूप, सूर्य मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर, कहाँ कहाँ पर इनका प्लेस आपको बताना है, अरेंज द प्लेसेस। तो अशोक द्वारा निर्मित स्तूप सांची, आप जानते हो सांची कहाँ है, तो MP में है, ठीक है। उसके अलावा फिर धम्मिक स्तूप बहुत फेमस है, वो कहाँ है, सारनाथ में है। अगर आप सारनाथ में जाओगे तो जो स्तूप बना हुआ वही है धम्मिक स्तूप। सारनाथ ये कहाँ है, वाराणसी के नज़दीक है, यहीं पर बुद्ध ने सबसे पहले अपने 5 चेलाओं को जो है ज्ञान दिया था। उसके बाद फिर सूर्य टेम्पल है, सूर्य टेम्पल आप जो है जानते हो मोढ़ेरा में जो है सूर्य टेम्पल है, ठीक है। कैलाशनाथ मंदिर कहाँ है, तो एलोरा में है। तो इस तरह से ये ऑप्शन आपका जो है आपके सामने हो गया। अगला है ए को बी से सम्मिलित कीजिए, ये बुक्स दी गई हैं, बुक्स को मिलाना है, ठीक है। द इंडो ग्रीक से द इंडस एज डिसरप्टिव फ्लोज ऑन इंडियन आर्कियोलॉजी टुडे, ठीक। तो द इंडो ग्रीक्स किसकी है, हमने अभी इस लेक्चर बताया था कि ये AK नारायण साहब का लीजेंट वर्क है, बहुत अच्छा वर्क है ये, ठीक है। उसके अलावा और ये हम लोगों को गर्व की बात है कि सर हमारे BHU से ही थे, ठीक। इन्होंने अयोध्या जैसी बड़ी साइट का एक्सक्यूशन कराया था। और उसके बाद द इंडस एज, इसके एक्सकेवेटर जो है इसके लेखक कौन है, GA पौसल है। द इंडस एज के लेखक कौन है, GL पौसल है। उसके बाद सरस्वती फ्लोजान, BB लाल साहब, ठीक। BB लाल साहब ने महाभारत और रामायण से में उल्लिखित बहुत से पुरास्थलों का एक्सक्यूशन करवाया था, जैसे भरद्वाज आश्रम हो गया, हस्तिनापुर हो गया, संगवेरपुर हो गया। तो इस तरह से जितने भी उनको संबंधित लगे थे महाभारत और रामायण से, उसमें इन्होंने एक्सक्यूशन कराया था। बहुत महत्वपूर्ण किताब सरस्वती फ्लोजान। और फिर इंडियन आर्कियोलॉजिकल टुडे, ये किसकी है, SD संकालिया साहब की है, ठीक है। ये किसकी है, SD संकालिया साहब की है। अगला, इनको भी 1 को 2 से सम्मिलित करना है, ब्रह्मगिरी, राखीगढ़ी, इनाम गाँव, जूना पानी, हड़प्पन, चैलकोलिथिक, मेगालिथिक, नियोलिथिक। अब ब्रह्मगिरी क्या है, ब्रह्मगिरी है आपका नियोलिथिक, ठीक। ब्रह्मगिरी क्या है, नियोलिथिक। राखीगढ़ी एज आई एस वनो हड़प्पा कालीन है, ठीक।
ये टाउन नगर है सबसे बड़ा, यहाँ पर बसंत शिंदे साहब काम कर रहे हैं, बसंत शिंदे साहब, और यहाँ पर भारत सरकार द्वारा एक म्यूज़ियम बनाने का भी जो है प्रस्ताव पास हो गया और बन भी रहा है, ठीक है, बजट में इसकी व्यवस्था की गई थी। उसके बाद फिर जो है इनाम गांव, आप जानते हैं इनाम गांव जो है चालकोलिथिक है, ठीक है, इनाम गांव में संकाले साहब ने काम किया, जिड्डी अंसारी साहब ने काम किया, ठीक है। उसके बाद जूना पानी, जूना पानी है आपका मेगालिथिक साइट, ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी जो है लिस्ट वन को लिस्ट टू से मिलाना है। श्रीमन व्याघ्र ये सिक्के हैं किसके किसके द्वारा जो है, ये जो है उपाधियां जो मिलती हैं सिक्कों पे वही है, श्रीमन व्याघ्र बल पराक्रम, श्री कुमार देवी, कृतांत पराशर, जयत अजित, अजित राजेत जिता, फिर साव नौ साव। अब साव नौ साव तो आप जानते हो कनिष्क की है, सबसे आसान है ये, ठीक है। तो श्री मन व्याघ्र बल पराक्रम ये किसकी है, तो ये है आपकी कुमार गुप्त की, ठीक है। फिर कुमार देवी, आप जानते हो कुमार देवी किसकी है, इसमें जो है चंद्रगुप्त, सॉरी यहाँ सेकंड में नहीं होगा, चंद्रगुप्त फर्स्ट होगा, चंद्रगुप्त फर्स्ट, तो ये किसकी है, कुमार देवी चंद्रगुप्त फर्स्ट की है, ठीक। फिर अब साव नौ साव कनिष्क की है, तो ये जो है कृतांत पराशर जयत ये किसकी हो जाएगी, समुद्रगुप्त की हो जाएगी उपाधि, ठीक। अब अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, अगला प्रश्न इसको एक को दो से जो है सुमेलित करना है। हेलमिडी, उत्कीर्ण लेख, एहोल लेख, नाना घाट लेख, पूर्णे, ताम्रपत्र लेख, ठीक, किन किन काल के शासकों के हैं यही देखना है इसमें। तो इसमें पहला देख लेते हैं, हेलमिडी किसका है, कदम्बों का है, बहुत फेमस है। हेलमिडी किसका है, कदम्बों का है। एहोल किसका है, तो चालुक्यों का है। एहोल किसका है, चालुक्यों का। नाना घाट आप जानते हैं, नाना घाट सातवाहनों का है, बहुत फेमस है। फिर पुणे ताम्र किसका बचा, तो वो बचा है वाकाटकों का, तो ये वाकाटकों का हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से इसको देखना है, हेलमिडी कदम्बों का, एहोल चालुक्यों का, नाना घाट सातवाहनों का, पुणे ताम्र वाकाटकों का, ठीक। अब से फर्स्ट को सेकंड से मिलाइए, वही जो अभी कह रहे थे वो पीछे की राजाओं के बारे में पूछता है, तो वो देखिए आ गया। तो मेगस्थनीज किसके शासनकाल में आया था, मेगस्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, ठीक। फिर फाहियान किसके शासनकाल में आया था, सॉरी हाँ ठीक है, मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। फिर फाहियान किसके शासनकाल में आया था, तो फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में फाहियान आया था। वेनसांग, वेनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, ठीक है। और उसके बाद जो है अलबरूनी किसके, तो मोहम्मद गजनवी, यही ऑप्शन बचा है, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि मेगस्थनीज किसके शासनकाल में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के, इसकी कहानी वही है जो है, ठीक है। फिर फाहियान चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में, वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, अगला प्रश्न इसमें समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त और फिर स्कंदगुप्त, ये सिक्कों के टाइप दिए हैं, इनको सिक्कों को मिलाना है कि कौन सा किसका था। तो समुद्रगुप्त असंवेद प्रकार, ठीक, ऑप्शन यहाँ गलत दे गया उसको छोड़ दीजिए, समुद्रगुप्त असंवेद प्रकार, ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय घुड़सवार प्रकार, ठीक, कुमारगुप्त, कुमारगुप्त तलवार मुख प्रकार, और स्कंदगुप्त राजा रानी, स्कंदगुप्त राजा रानी प्रकार, ठीक, ये आपका सही आंसर होगा। अब अगला देख लेते हैं, अगला है मथुरा पांचाल कौशाम्बी अयोध्या, इधर है राजयुग, विष्णुमित्र, अग्निमित्र, सत्यमित्र, कौन कहाँ से संबंधित था। तो मथुरा से किसका संबंध था, रजूल का। उसके बाद जो है पांचाल से विष्णुमित्र का, कौशाम्बी से अग्निमित्र का, अयोध्या से सत्यमित्र का, अतः ये चारों सही आंसर हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको जो है सॉल्व करने का प्रयास करिए, कम समय में जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रश्न करने का प्रयास किए, इसलिए बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दे पाए, क्योंकि यहाँ डिस्क्रिप्शन देने का मतलब था एक एक पॉइंट अपने आप में एक एक वीडियो बन सकता है, तो हम लोग उसको वीडियो के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और उम्मीद कर